बारिश रुक रही है, फिर हो रही है, रुक रही है, फिर हो रही है। कई कई जगह पे तो गाइस बाढ़ आ चुकी है, चंडीगढ़ में बाढ़ आ चुकी है गाइस, मतलब उत्तराखंड में, मसूरी में, नैनीताल में, हर जगह गाइस, मतलब इतना ज़्यादा गंदा सिचुएशन हो रही है सारी जगह की। सो गाइस भाई बहुत ही ज़्यादा बारिश का मौसम और बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी है गाइस इस टाइम। जितने भी हिल स्टेशन वगैरह हैं, जितनी भी पहाड़ी एरिया है ना गाइस, सब जगह भैया रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है गाइस। और वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस मौसम अभी आप देख सकते हैं, मौसम क्या ही मतलब बढ़िया है, मौसम एकदम बेहतरीन हो रहा है। बारिश, कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी भैया सावन लग चुके हैं और बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है, बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है। तो गाइस मौसम अभी ऐसे ही चल रहा है। और अपनी अपनी हिमाचल वाली जो राइड थी गाइस, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो रही है अभी तक, और हम लोग सही टाइम पे होके आ गए गाइस, तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली, ना कोई ज़्यादा बारिश मिली, मौसम सही था एकदम बढ़िया। लेकिन अब जो गाइस मौसम बन रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा मौसम बन रहा है गाइस, और लिटरली इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है हर जगह की गाइस। और आप राइड ना करें तो ज़्यादा ही सही है गाइस, मतलब भैया क्योंकि बात क्या है कि गाइस सब जगह लैंडस्लाइड वगैरह चल रही हैं और सब जगह बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंदी होती जा रही है गाइस। तो अभी के लिए मानसून में तो गाइस अवॉइड ही करें, अगर आप जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड का, या फिर किसी भी जगह का ले लीजिए, किसी भी पहाड़ वाले इलाके की ले लीजिए गाइस, तो प्लीज़ अभी बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है उस चीज़ में। तो ये वाली ही चीज़ है कि भाई देखो, जब तक साइज सिचुएशन सही नहीं हो जाती है, बारिश वगैरह कम नहीं हो जाती गाइस, जब तक ना तो कहीं निकले ना कहीं जाए, क्योंकि भैया देखो अगर आप निकलते हैं ना तो गाइस भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली है। और हमने भी कई सारी प्लान्स को अभी भैया देखो कहना चाहिए कि हमने कैंसिल कर दिया है ड्यू टू रेन सीज़न के कारण। तो जब बारिश वगैरह रुकेगी फिर बनाएंगे ट्रिप वगैरह, प्लान करेंगे कि भैया कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ नहीं जाना है। तो बारिश में तो वैसे भी गाइस अवॉइड ही करना चाहिए सारी चीज़ों को, क्योंकि कुछ पता नहीं होता गाइस कब लैंडस्लाइड हो जाए। मेरा कैमरा एक जब हिमाचल में हम लोग एंटर किए थे तो वहाँ पर एक टोल पड़ता है, तो शिमला हाईवे, शिमला चंडीगढ़ हाईवे पे एक टोल पड़ता है गाइस, वो वाले उस जगह पे मेरा कैमरा ऑफ था आई थिंक, सो उस टाइम वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। वहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड हुई थी गाइस, मतलब इतना बड़ा पत्थर मेरी बाइक के नीचे से निकलता हुआ गया है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही माहौल है कि गाइस कभी भी लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए गाइस बिल्कुल भी अवॉइड करिए अपनी राइड को, अपनी जर्नी को अगर आप निकलते हैं। क्योंकि देखो लद्दाख इस टाइम सीज़न है लद्दाख जाने का, लेकिन अनकंडीशनल सारी सिचुएशन हो रही है गाइस वहाँ पे, मतलब हर चीज़ बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट है। और सामने का अभी मौसम चेक मारो गाइस, थोड़ी देर में यहाँ पे भी अपनी बारिश हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता। अभी सुबह भी बारिश पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि आज का मोटो ब्लॉग नहीं हो पाएगा गाइस, और बस यह है कि बारिश रुक रही है, फिर हो रही है, रुक रही है, फिर हो रही है। कई कई जगह पे तो गाइस बाढ़ आ चुकी है, चंडीगढ़ में बाढ़ आ चुकी है गाइस, मतलब उत्तराखंड में, मसूरी में, नैनीताल में, हर जगह गाइस। मतलब करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चलो जी मिलते हैं फिर, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।